उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में जल्दी से दर्शन कराने के लिए 250 रुपए जो शुल्क लिया जाता है उससे विधायक रामलाल मालवीय बेहद नाराज हैं। कांग्रेस विधायक ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विधानसभा का सहारा लिया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भक्त श्रद्धालु अलग अलग शहर और राज्यों से अपने परिवार के साथ महाकालेश्वर मंदिर में पहुँचते हैं बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए। मंदिर परिसर में दर्शन और पूजा पाठ करने के लिए यहां पर स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था बेहतर करने और जल्दी दर्शन करने के नाम पर काउंटर लगाकर 250 रुपये की रसीद काट कर दर्शन करने की एक सुविधा दे रखी है। इस पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कांग्रेस के विधायक घटिया विधानसभा के रामलाल मालवीय ने प्रशासन को व्यवस्था सुधारने के लिए कहा है। बाबा महाकाल के दर्शन भक्तों के लिए निःशुल्क होना चाहिए और आसानी से होना चाहिए, इसके साथ ही शीघ्र होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। भक्त निःशुल्क बाबा महाकाल के दर्शन अपने परिवारजनों के साथ कर सके। यहाँ तो प्रशासन ने व्यवसायीकरण कर दिया है और पर व्यक्ति से 250 रुपये की रसीद लेकर प्रवेश दर्शन करने दिया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है और हम सब कांग्रेसी इसका विरोध दर्ज कराएंगे विधानसभा में। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर मांग करेंगे कि जो उज्जैन प्रशासन के द्वारा 250 रुपये लेकर काउंटर लगाकर रसीद काटी जा रही है, इस व्यवस्था को बंद कराया जाए और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम विरोध करेंगे आने वाले समय में। राजधानी के रूप में अगर पहचाना जाता है तो उज्जैन शहर को पहचाना जाता है और उज्जैन शहर में बाबा महाकाल जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। और अगर बात करें तो भारत के कोने कोने से प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, पर ये भक्त और श्रद्धालु बड़े परेशान होते हैं। अगर देखा जा सके इस मंदिर के मुख्य गेट पर रसीद के काउंटर बने हुए और रसीद के जो काउंटर हैं वहाँ पर भी छोटा मोटा शुल्क इनको नहीं देना पड़ता है। 250 रुपये की रसीद, 250 रुपये की रसीद पर व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर लेना पड़ती है और उसके बाद महाकाल के मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। आम आदमी चाहे मेहनत मजदूरी करने वाला हो या गरीब परिवार, वह कैसे महाकाल मंदिर में पहुंचेगा और कैसे दर्शन कराएगा? ना तो इस तरफ स्थानीय प्रशासन का कोई ध्यान है और ना ही यहाँ के जन प्रतिनिधियों का ध्यान है और प्रतिदिन यहाँ पर स्थिति खराब होती जा रही है। कांग्रेस के विधायक जी रामलाल जी मालवीय साथ हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। किस प्रकार से वह इस मामले को, हमने मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाया है, भोपाल में विधानसभा में इस मामले को उठाया जाएगा और किस प्रकार से इस समस्या का जो है कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेगी? माननीय विधायक जी, हमने आपको पूरे वीडियो दिखा दिए, घटना स्थिति आप अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्थिति बहुत बेकार है। किस प्रकार से इसको उठाया जाएगा और किस प्रकार से क्या रहेगा? बुद्ध भगवान महाकालेश्वर पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के आस्था का केंद्र हमारा उज्जैन बुद्ध भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है। धार्मिक आस्था से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अभी तक चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अभी तक भगवान महाकाल के दर्शन, निःशुल्क दर्शन आम जनता को, आम श्रद्धालु को होते थे। पिछले दिनों सरकार ने उज्जैन प्रशासन द्वारा महाकाल मंदिर में शुल्क के नाम पर 151 रुपये, 251 रुपये और 1500 रुपये की राशि लेने का निर्णय सरकार स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया गया था। हम लोगों ने उसका विरोध किया था और कहीं जाकर सरकार ने उसको स्थानीय प्रशासन और जिलाधीश उज्जैन के द्वारा उसको वापस ले लिया गया था। लेकिन अभी फिर आपके वीडियो के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि बिना 250 रुपये की रसीद से दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन से बात करूँगा कि हम लोग चाहते हैं भगवान महाकाल सभी के देवता हैं, सब आए और दर्शन करें, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आम श्रद्धालु हो, अपना भले उसको लाइन में लगकर दर्शन करना पड़े लेकिन वो निःशुल्क दर्शन होना चाहिए। प्रशासन अगर नहीं मानेगा तो हम लोग इस बात को मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाएंगे और मध्य प्रदेश विधानसभा में अगर बात हमारी नहीं मानी जाती तो हम सड़कों पर भी भगवान महाकाल में निःशुल्क दर्शन हो, इसके लिए हम लोग लड़े लड़ेंगे। तो जिस प्रकार से देखा है, किस प्रकार से माननीय विधायक जी ने बताया कि जो ये मामला है इस प्रकार से संज्ञान में आने के बाद भोपाल में विधानसभा के अंदर तो गूंजेगा ही सही, बाकी स्थानीय प्रशासन से भी इस मामले पर बैठकर चर्चा की जाएगी और चर्चा में अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है, समाधान नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में कांग्रेस इसको जो है ग्राउंड पर आकर लड़ेगी। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए।